तो गाइज आप लोग कैसे हो, आई होप बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप से फेस स्मूथ एंड HDR हार्ड फेस स्मूथ। आप लोग देख पा रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा फेस स्मूथ करता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से करता हूँ। एंड वही तरीका सेम जो है कि आप लोग को बताऊँगा, बाकी लोगों की तरह आदित्य भाई आप लोग को फंसाने वाला काम नहीं करेगा। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से जो है कि अपना फेस को स्मूथ किया है, हर एक फ़ोटो को जो है अलग तरीके से फेस स्मूथ किया है। और जो है कि यही तरीका सेम जो है कि आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर भाई ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता है। और एक बात बता दूं ना, एकदम जेन्युइन एंड रियल तरीका मिलेगा फेस स्मूथ पे। जो भी आप लोग सोचते हो कि जो मैं फेस स्मूथ नहीं कर पाता हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड जो फेस स्मूथ करने के बाद जो कि आपका वीडियो फोटो वायरल नहीं होता है, तो वो भी जो है कि मैं बताऊँगा कि आपका वीडियो फोटो वायरल कैसे होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए अपना ओरिजिनल पिक लेते हैं एक ठो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं अपना ओरिजिनल पिक ले लिया हूं, जिसमें जो है कि आप लोग को इसी फोटो को स्मूथ करके दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, ना अच्छा तरीका भी आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए यहां से सबसे पहले आप लोग क्या करना, चलिए बताते हैं। तो यहां से शेयर पे क्लिक करना है, एंड शेयर पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, पिकार्ट अप्लीकेशन में सबसे पहले लेकर के चलना है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है कि मैं आप लोग को अच्छे तरीके से कलर ग्रेडिंग करना बताऊँगा, जो कि आप लोग कोई नहीं बताता है। ये जो तरीका है ना, आप लोग को कोई नहीं बताता है कि किस तरीके से कलर ग्रेडिंग एकदम अच्छे तरीके से होता है। तो देखिए आप कल लोगों फोटो पिकार्ट एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या करना है, सबसे पहले देखिए इधर आप लोग को सबसे पहले एक टूल्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, और देखिए देखिए इधर स्ट्रेच का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपली इस स्ट्रेच वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद देखिए आपका हेयर एकदम बेकार होगा, ठीक है। तो इसको सही करना मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इधर से आप लोग क्या करेंगे, बर्थ देखिए साइज को क्लिक करके 100 कर लेंगे, और पावर को जो है कि आप लोग 10-12 रख लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे ना, अच्छे तरीके से अपने बार को, हेयर को जो है कि ऊपर के साइड ड्रेक करेंगे कि आपका हेयर थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। मेरा हेयर बहुत ही बेकार था, बहुत ही बेकार था। अभी जो है कि आप लोग तरीका बता रहा हूँ, अभी देखिए इससे भी अच्छा करके आप लोग को दिखाऊँगा, तो बस आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हेयर ऊपर के साइड जा रहा है, एंड मेरा हेयर अभी अच्छा लगेगा, अभी आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहिए। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे तरीके से जो कि मैं अपने हेयर को अपने सेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो कि आप लोग अपने हिसाब से अपने हेयर को सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, आप लोग देख सकते हो हेयर सेट हो चुका है। तो राइट क्लिक करेंगे, एंड बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना अंतर पड़ गया हेयर में, है कि नहीं। तो अब जो है कि आप लोग को हम बताएंगे कि अब जो कि थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, टूल्स पर क्लिक करेंगे, एंड टूल्स पर क्लिक करने में देखिए इधर से आप लोग एक एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिंपली एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके, और देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा सेचुरेशन को हल्का सा माइनस करेंगे 2, ठीक है। ब्राइटनेस को हल्का सा कम करेंगे 2, ठीक है। और कंट्रास्ट को और क्लैरिटी को दोनों को थोड़ा थोड़ा अपने फोटो के हिसाब से बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ से हाईलाइट को हल्का सा कम कर देंगे, ठीक है, देख लीजिए 9, ठीक है। उसके बाद जो कि राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक मतलब बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो तो कितना अंतर पड़ गया, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो कि अपने फोटो को सबसे पहले गैलरी में सेव करेंगे। तो देखिए आप लोग का फोटो जो कि फिर से गैलरी में सेव हो चुका है। एंड अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने फेस को एकदम HD तरीका करना बताएंगे। तो यहाँ से शेयर पर क्लिक करेंगे और अपना फोटो ले करके चलेंगे कहाँ, टूल वीज एप्लीकेशन में। तो देखिए टूल वीज एप्लीकेशन में इसलिए लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आप लोग आदित्य भाई से बोलते हो कि आदित्य भाई आप लोग टूल वीज मारना यूज करना नहीं बताते हो अच्छे तरीके से, और इसी में अपने फेस को हम HD करते हैं। तो चलिए बताते हैं HD कैसे होता है। तो सबसे पहले इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और सॉफ्ट समूह पर क्लिक करके, और अपने फेस को जो है कि 2 नंबर से ऑयल पेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, मास्क पर क्लिक करके क्लीन कर देंगे, ठीक है। क्लीन करके और अपने हेयर पर चला लेंगे, ठीक है। हेयर पर अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं, आप लोग थोड़ा घबराइए नहीं, तो बोलते हो मैं जान रहा हूँ, अभी आप लोग कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अपने मैं दाढ़ी वगैरह पर चला लेता हूँ, ठीक है ना। दाढ़ी वगैरह पर अच्छे तरीके से चलाता हूँ, तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हो रहा है पेंट, ऑयल पेंट, और इधर भी चला लेता हूँ, और बाकी सब हो गया, ठीक है। यहाँ से इतना काम होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक करने के बाद देखिए अभी आप लोग को एक चीज़ बताते हैं जो आपको फेस एकदम मैच्योर हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इनहेंस पे क्लिक करेंगे, और इधर से देखिए एक शार्पन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो शार्पन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से जर्नल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही जर्नल पे क्लिक करेंगे तो अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से HD आपका फोटो हो गया, बहुत ही HD हो गया, मैं बता नहीं सकता बहुत HD हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। और सेव करने के बाद चलिए बता देता है प्रीसेट की यूज करके कि अपने फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कैसे करेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ देखिए, अपना फोटो सेव करने के बाद टूलबीज में से अपना फोटो जो है कि आप लोगों को लेकर के आ जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन, यल यहाँ से देखिए, यल और आर एल आर एप्लीकेशन में लेकर के आ जाना है। आप लोग देख सकते हो, एल आर एप्लीकेशन में आने के बाद जो है कि बैक आना है और आप लोग को एक तगड़ा वाला प्रीसेट देंगे। देखिए मेरा ढांसू प्रीसेट है, तो जो कि मेरा सबसे बेस्ट प्रीसेट आप लोग को मैं देने वाला हूँ, और ये जो है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके और कॉपी सेटिंग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बैक आएंगे, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, अपना फोटो लेंगे ओरिजिनल वाला, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके और यहाँ से एक क्लिक में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करेंगे आप लोग फोटो पे, देखिए कितना चार चांद लग गया, बहुत ही लाजवाब तरीके से। देखिए आप लोग का ऑयल पेंट वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से मैचिंग किया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने फोटो को फटाक से सेव करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे शेयर पर क्लिक करके। फोटो जो है कि गैलरी में सेव हो चुका है। अब जो है कि आप लोग क्या करना, चलिए बताते हैं एंड स्मूथ कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग शेयर पर क्लिक करेंगे और स्केच बुक एप्लीकेशन में डायरेक्टली लेकर के चलेंगे अपने फोटो को। आप सब देख सकते हैं कि मेरा फोटो स्केच बुक एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है। तो सिंपली अब आप लोग क्या करना है, किस तरीके से जो कि एचडी तरीके में स्मूथ करना है, आज जो है कि आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इधर से देखिए लाइब्रेरी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है ना। तो सिंपली इस लाइब्रेरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखिए लाइब्रेरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलता है ग्लो का, ठीक है। तो इस ग्लो वाला जो ये वाला ब्रश है ना, सच में बता रहे हैं, माँ कसम जो कि ये वाला ब्रश आप लोग को कोई नहीं बताता होगा, ठीक है। तो सिंपली इस ब्रश को आप लोग को टैप करना है। तो टैप करने में चलिए इसका सेटिंग बता देते हैं। इसका सेटिंग जो है कि आप लोग को 64, इधर देखिए 64, 8, 12 रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे समूह नहीं होगा तो आप लोग समूह कर लेंगे एंड जो है कि डन करेंगे। डन करने के बाद जाए कि आप लोग क्या करेंगे, अपनी फ़ोटो को जूम करेंगे, ठीक है। एंड जूम करने के बाद क्या करेंगे ना, अपने ब्रश साइज को चेक करेंगे, ठीक है। एंड चेक करने में देखिए अपने अपने फ़ोटो पे चलाना इस ब्रश को, जो भी जो ब्रश का चिन्ह आता है ना रेखा, वो जो है कि इस ब्रश से आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। 110% गारंटी देता हूँ कि एक बार इस ब्रश को आप लोग यूज करके देखिए कि कितना तगड़ा तरीके से जो है कि आप लोग को स्मूथ होता है। उसके बाद जो है कि आप लोग आदित्य भाई से भेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आदित्य भाई क्या तरीका हमको बताए हो, क्या ही लाजवाब तरीके से जो है कि मेरा फेस स्मूथ हो रहा है। अब हम फेस स्मूथ करना सीख गए हैं, तो जो है कि आप लोग को लाइव प्रूफ देखने को मिल रहा होगा कि कितना अच्छे तरीके से मैं स्मूथ कर रहा हूँ। और यही तरीका सेम आप लोग को अपनाना है एंड अच्छे तरीके से जो है कि आप लोग को स्मूथ करना है, ठीक है। तो आप लोग के सामने आपका भाई दिखा रहा है कि कितना अच्छे तरीके से जो है कि आप लोग को स्मूथ हो रहा है, और यही तरीका आप लोग को अपनाना है एंड अपने फेस को स्मूथ करना है, ठीक है। और अपने फोटो पर टाइम देना है, ये नहीं कि सोचोगे कि हो गया तो हो गया, ये सब नहीं। आप लोग टाइम देके जब तक अच्छा नहीं हो जाता है तब तक जो है कि अपने फोटो पर टाइम देंगे, क्योंकि हम लोग वही काम करते हैं, एक बार अच्छा नहीं बनता है, दो बार अच्छा नहीं बनता है, हम लोग तीन बार ट्राई करते हैं, लेकिन फोटो को अच्छा बनाने के लिए 100 बार ट्राई करेंगे हम लोग। तो आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छे तरीके से जो है कि मैं फेस को स्मूथ कर चुका हूँ सिर्फ 1 से 2 मिनट में, ठीक है। और यही तरीका आप लोग अपनाना है और अपने फेस को तगड़े तरीके से जो है कि आप लोग को स्मूथ कर लेना है। तो आप लोग भाई, आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा दिया कि कितना अच्छे तरीके से जो है कि आप लोग को स्मूथ हो रहा है इस ट्रिक से। तो जाइए आप लोग इस ट्रिक को अपनाइए एंड अपने फेस को स्मूथ कीजिए, एंड उसके बाद अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम।